सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको डाइपोल मोमेंट। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे विद के किसिंग में हम लोग हाजिर हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको डाइपोल मोमेंट का, कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं मॉलिक्यूल में, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग की एक यूनिट। सुनिए क्या है। कहते हैं जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनमें कोई बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, सपोज करिए आपने ए और बी के बीच में ये कोई बॉन्ड बनाया, तो जब बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग, वो ए और बी दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर यानी बीचों बीच में आते हैं इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, मान लीजिए कि जो आपका एटम बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कैसा है बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी क्या बोल दिया इसे नीना जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बट ऑब्वियस है कि जो ए हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो हम बोल देंगे ये कैसा है बेटा, लीना यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इनका इधर मूवमेंट होगा। जब ये मूव करेंगे तो इस बी पर एक पार्शियल नेगेटिव और इस ए पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण क्रिएट होगा इनके बीच में एक डाइपोल। क्रिएट हुआ, इस डाइपोल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर, बी की तरफ, तो इसके मूवमेंट के कारण जो पोलैरिटी इसमें पैदा होगी उसी का नाम होता है डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है उसके कारण जो पोलैरिटी पैदा होती है आपके मॉलिक्यूल में, उसे नाम दे दिया जाता है डाइपोल मोमेंट। अब जरा यहां पर आइए, मैंने माना ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये इस बॉन्ड की कुछ बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं। मान लीजिए कि जो बॉन्ड ए और बी के बीच में बना हुआ है, सपोज इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है एल, और इस पर आने वाला चार्ज मैंने मान लिया प्लस क्यू है, इस पर आने वाला चार्ज माइनस क्यू है, तो हम बोलते हैं जो डाइपोल मोमेंट होगा इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से। ये इन दोनों में किसी एक का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे मैं इसे बॉन्ड लेंथ कह सकता हूं। यदि आप इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ये जो डाइपोल मोमेंट म्यू यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, इसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड होंगी। कैसी क्वांटिटी बोल रहे हैं आप इसे, आप कह रहे हैं कि कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कहते हैं इट मस्ट है, इसके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, और साथ ही साथ ये फॉलो करती हो लॉ ऑफ पॉलीगन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को, जो कि वेक्टर होने की नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां डायरेक्शंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर में सिखाता हूं, आइए वापस आ जाता हूं। तो किस कारण से हुआ था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए, इस मूवमेंट के कारण इन पर क्या आ गए हैं, चार्जेस। यदि इस पर चार्जेस आ गए हैं तो इसका मतलब इस कंपाउंड में कोवेलेंट के साथ साथ थोड़ा सा क्या डेवलप हो गया है, आयनिक कैरेक्टर। तो हम कहते क्या है कि ये इस मॉलिक्यूल में क्या करता है, इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है सम आयोनिक, थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर, किसमें, इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब यदि हम ये देखना चाहें कि इसने कितना आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि कितना आयनिक कैरेक्टर आया, तो आइए उस आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए वी कैन यूज अ फॉर्मूला, हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, यदि आपसे पूछा गया है बताइए इस मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो कितना आएगा, तो आप ऐसे बोलेंगे बेटा कि आपने जो भी इसका म्यू निकाला है, सेट टू बी म्यू गिवन या म्यू जो हमें दिया गया है, ठीक, इसे डिवाइड करेंगे हम। पूछिएगा नहीं वैल्यूज कहां से आई हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप करना है 4.8।
मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो भी चार्जेस आएंगे यानी चार्ज से, और मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच की बॉन्ड लेंथ यानी एल जो होनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि अपने को परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। यदि हमें फ्रैक्शन चाहिए तो इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिए या 100 को छोड़ दीजिए। भाई परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकालते हैं और फ्रैक्शन कितने में निकाला जाता है, आउट ऑफ 1। यदि वो पूछा था कितना फ्रैक्शन चार्ज आया है तो इस 100 को यहां से हटा दीजिए, पूछिए कितना परसेंट आयनिक करेक्टर आया है तो इस 100 को यहां पर रखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यूज रखिए जो आपको दी गई है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आसानी से। आइए छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए कैसे, उसने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहता है मॉलिक्यूल है HCl, ठीक, इसके लिए उसने आपको डाइपोल मोमेंट दिया है इक्वल्स टू 1.2 dy, कितना दिया है 1.2 dy, और कह रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है इसमें, व्हाट इज इट बॉन्ड लेंथ, ये बराबर उसने आपको दे दी है 1 angstrom, कितनी दे दी है 1 angstrom। पूछ रहा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताइए HCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आसान सा तरीका, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, हमें परसेंटेज निकालना है किसके बराबर होगा बताइए, म्यू कितना गिवन है आपको 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज पूछा है, डिवाइडेड बाई 4.8 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। अब देखिए H पर कितना चार्ज आएगा +1, Cl पे -1, तो कोई भी एक चार्ज मिलेंगे 1। यदि यही CaF2 होता तो कैल्शियम पर +2 होता तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा, तो कितना हो गया 1 into, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इन एंगस्ट्रॉम कितनी दी है आपको 1। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 4 और 100/4 यानी 25% लीजिए, क्वेश्चन खत्म, निकल आया परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, आसान सा काम था, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। कुछ और क्वेश्चंस आइए मैं इसके आपको दिखा देता हूं, लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं हम लोग, आइए कुछ और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के। चलिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चार जवाब के साथ खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई यहाँ पे, आइए खेलते हैं। कहते एक पोलर मॉलिक्यूल है, ए बी है, डाइपोल मोमेंट इतना है, बॉन्ड लेंथ आपको दी है, कहते फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, यूज योर फॉर्मूला परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू, पता भाई डाइपोल मोमेंट कितना है सर, 3.2 दिया है तो मैं यहाँ 3.2 रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 रखा, डिवाइडेड बाई 4.8 किया, इनटू ए बी में चार्ज कितना आएगा बेटा 1, बॉन्ड लेंथ आपको कितनी दी है बता दीजिए 1.6 एंगस्ट्रॉम, उम्मीद है आसानी से आप इसे सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया 2 times, 2 से ऐसे कर दीजिए कितना आ गया 2.4 times, सॉल्व कर लीजिए तो 2 होता तो 50 आता, 2.5 होता तो 40 आता, 2.4 40 से थोड़ा सा ज्यादा 41.6%, तो ये रहा आपका आंसर। क्या सवाल क्लियर है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहां पर लिखा है, इसे भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। कहता है एक मॉलिक्यूल ए बी है, हैज अ बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ आपको दे रहा है इतनी है एंड डाइपोल मोमेंट इतना है, कहता है फ्रैक्शनल चार्ज निकालना, फ्रैक्शनल का मतलब बस इस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं जरा। इस बार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज यानी आयनिक कैरेक्टर तो निकालना है पर परसेंटेज नहीं निकालना है, तो जरा बताइए आपको वैल्यू कितनी दी थी, एक बार फिर से देख लेता हूं, आपको डाइपोल मोमेंट बेटा दिया था 0.38, ये आपका डाइपोल मोमेंट था कितना था 0.38, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है किससे 4.8 into, मॉलिक्यूल ए बी टाइप का है तो चार्ज 1 into, बॉन्ड लेंथ आपको दी है 1.617, में 1.6 से ही काम चला लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यूज आपके सामने सारी हैं, क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है कि मैं करूंगा भाई, कर पाएंगे अपने आप के मैं करूं,
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05 के करीब। आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर, देखो कितना आसान सा है, आओ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। ये डेसिमल और ये डेसिमल सबको गायब कर दो तो जरा बताओ कितना आएगा इक्वल्स टू। ऊपर आएगा 38, नीचे आएगा 48 और आएगा 16। पक्का? अब सोचिए 16 दूनी 32 32, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। 16 4 लीजिए आ गया 2.4 अपॉन 48। बताइए क्या ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स? यदि डिवाइड होगा 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा 1/20 और 1/20 की वैल्यू होती है 0.05। आसान है सवाल, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। 2 क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं, मैं नहीं करूंगा आपको करने हैं। ये वैल्यू में बेटा एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर ये -8 लिखा है, पढ़ने में ना आ रहा हो तो 1 × 10⁻¹ सेंटीमीटर है। 2 क्वेश्चन है, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपसे हो जाएंगे। इसी तरह से सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था, आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे उम्मीद करता हूं। पक्का कोशिश करिएगा, नहीं होंगे तो अगले लेक्चर में मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। आइए हम लोग वापस चलेंगे अपनी थ्योरी की तरफ, इसे हटाते हैं, हम लोग चलते हैं वापस अपनी थ्योरी की तरफ। आइए चलिए फिर से अपनी थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए हम लोग वापस आ गए अपनी थ्योरी पर। मैंने आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाया, परसेंटेज यानी कैरेक्टर के डाइपोल मोमेंट बता रहा था, अपन कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखाया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये डाइपोल मोमेंट किस काम आता है? ये डाइपोल मोमेंट आपके काम आता है, सबसे पहले यदि आपको ये डिटरमाइन करना हो कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है, यानी किसी मॉलिक्यूल को पोलर कब कहा जाता है, या फिर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? तो ये बड़ा आसान सा काम होता है बेटा, इसे देख के बताना। कहते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें जो म्यू होगा, रिजल्टेंट म्यू किसी भी मॉलिक्यूल का, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कोई वैल्यू होगी, उसमें डाइपोल मोमेंट आएगा, पोल्स आएंगे। लेकिन यदि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हमेशा उसका जो म्यू रिजल्टेंट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? जीरो। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ वेक्टोरियल एडिशन, वेक्टोरियल सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छे से समझते हैं यदि 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घट जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। रिमेंबर दैट थिंग, आपको आता होगा वेक्टर्स का एडिशन, में उम्मीद करता हूं। क्लियर? तो आइए चलिए सीखते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर है कौन से नॉन पोलर। तो केस नंबर 1 सीखते हैं। कहते हैं यदि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है केवल 2 एटम्स का मॉलिक्यूल, वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों एटम्स में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डाई एटॉमिक में जो 2 एटम्स लूंगा, हो सकता है वो दोनों एटम्स कैसे हो, सेम हो, यानी कुछ इस टाइप का हो, X2 टाइप का, या हो सकता है मैं जो 2 एटम्स लूंगा वो दोनों डिफरेंट हो, के एक एक्स है तो दूसरा एटम कैसा है, वाई। तो आइए सीखते हैं इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, मॉलिक्यूल के पास कोई डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा या मॉलिक्यूल के पास कोई डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। बताइए दोनों एटम कैसे हैं? एस से सेम। कैसे हैं? सेम। तो याद रखिएगा यदि सेम है तो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। तो कहते हैं सेम नहीं पढ़ो, सेम तो सब जगह लिखा होता है, किताबों में भी सेम लिखा होता है, तो कहते हैं सेम नहीं पढ़ो, सेम नहीं पढ़ो। एस से सेम एटम, नहीं पढ़ो से नॉन पोलर। कैसा पढ़ो? डिफरेंट पढ़ो। तो डी से डिफरेंट, पढ़ो से पोलर। यानी सेम है तो नॉन पोलर, डिफरेंट है तो पोलर, डाई एटम। सेम नहीं पढ़ो, डिफरेंट पढ़ो। सेम नहीं पढ़ो, नॉन पोलर, डिफरेंट पढ़ो पोलर। यानी एटम डिफरेंट है तो पोलर, और सेम है तो नॉन पोलर होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे सबसे पहले सेम के एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि सेम है, आई थोड़ा सा लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, सपोज करिए सेम है, कहते हैं इफ बोथ द आइटम्स आर सेम, यदि दोनों आइटम कैसे हैं सेम, तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा एनपी यानी नॉन पोलर, म्यू कैसा होगा जीरो। एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन में दोनों सीएल हैं, हाइड्रोजन में दोनों एच हैं, ऑक्सीजन में दोनों ओ हैं, एन टू में दोनों नाइट्रोजन हैं, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सेम एटम के हैं, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा नॉन पोलर। दूसरे वाला चाहिए, कहता है इफ यदि बोथ द एटम्स, कह रहा है इफ बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, यदि दोनों एटम्स कैसे हैं डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा पोलर, यानी ऐसी कंडीशन में म्यू जीरो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एच था दूसरा सीएल था, एच सी एल दोनों डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक एच है दूसरा एफ है, एक आई है दूसरा सी एल है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पी हैं, पी से बोलते हैं पोलर। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप ऐसे चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, आपको केवल ये देखना है सेम एटम्स हैं या डिफरेंट। सेम नहीं पढ़ो नॉन पोलर, डिफरेंट पढ़ो यानी पोलर होते हैं, आसान सा तरीका है याद करने का। कहते सर मान लीजिए दूसरे केस पे आते हैं, ये डाई एटॉमिक की जगह ट्राई एटॉमिक हो गए, तो कहते हैं पॉली एटॉमिक ए एक्स एन टाइप, यानी इसमें कितने टाइप के एटम्स हैं, केवल दो टाइप के, एक ए और दूसरा एक्स, पॉली एटॉमिक है। तो इसके दो केसेस बनते हैं बेटा, कौन कौन से दो केसेस बनते हैं सुनिएगा। कहते हैं इफ जो सेंट्रल एटम ए है, कौन है ए, इफ सेंट्रल एटम ए है नो लोन पेयर, यदि इस पे कोई लोन पेयर नहीं है देन, तो ऐसी कंडीशन में इसका म्यू रिजल्टेंट हमेशा जीरो मिलेगा। कैसा मिलेगा जीरो, ऑलवेज जीरो मिलेगा, और ये जीरो मिलेगा सो तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ए की जगह सी, एक्स की जगह ओ, एन की जगह दो, जैसे BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, जैसे CH4 मीथेन, जैसे PCl5, जैसे SF6, इनमें से किसी में भी देखिए सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और फॉर्मूले हैं AXN टाइप, तो ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइए चलते हैं हम लोग केस नंबर सेकेंड पर, दूसरे केस पर। कह रहा है कि यदि अब मान लीजिए इफ जो आपका सेंट्रल एटम है, कौन है सेंट्रल एटम ए है लोन पेयर, यदि इसके पास लोन पेयर है तो ऐसी कंडीशन में देन इसका जो म्यू रिजल्टेंट होता है वो जीरो नहीं होता नॉर्मली, और यदि ये जीरो नहीं होता सो तो मॉलिक्यूल कैसा होता है पोलर हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने एक चीज खामखा लिख दी है नॉर्मली, इस नॉर्मली का क्या मतलब है जो आपने यहां पर लिखा है। आइए मैं इस नॉर्मली का मतलब आपको सिखाता हूं कि बट द मीन ऑफ नॉर्मली, एक्चुअली दो ऐसी कंडीशंस होती हैं, दो ऐसे केस होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो मैं उनको पहले लिख देता हूं एक्सेप्ट टू, कितने छोड़कर दो छोड़कर, वो जो दो एक्सेप्शंस हैं उन दो एक्सेप्शंस को हम कैसे देखते हैं, तो सुनिए उन्हें आप हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं। यदि आपके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d तीन लोन पेयर के साथ आ जाए या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 दो लोन पेयर के साथ आ जाए, तो इन दो कंडीशन में बेटा इन दो कंडीशन में आपका जो म्यू रिजल्टेंट होता है
इट इज इक्वल्स टू जीरो। और यदि ये जीरो होता है तो आपका मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर, बाकी सारे केसेस में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर। चलिए देखना चाहते हैं हम इनके एग्जाम्पल से, इनको समझना चाहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अमोनिया का, पहला। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं XeF2 का, तीसरा एग्जाम्पल दे देता हूं SF4 का, और चौथा एग्जाम्पल दे देता हूं XeF4 का। और इन्हें समझता बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बनाए, 2 बचे। ज़ीनॉन के वैलेंस शेल में 8 होते हैं, 2 ने बॉन्ड बनाए, 6 बचे, यानी 3 लोन पेयर्स। सल्फर के 6 होते हैं, 4 ने बॉन्ड्स बनाए, यानी 1 बचा। ज़ीनॉन पे 8 होते हैं, 4 ने बनाए, यानी 2 बचे, 2 लोन पेयर्स। लीजिए, मुझसे पूछा गया कौन पोलर कौन नॉन पोलर, कुछ भी नहीं सोचना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 100% पोलर। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे सीखा था आपने, कितने एटम्स है बताइए, 2 और 1 3, जितने एटम उससे एक कम सिग्मा, यानी 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए, इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3d, कितने लोन पेयर, 3, sp3d, यानी ये कैसा है, नॉन पोलर, एक्सेप्शनल केस, याद है मैंने आपको बताया था। sf4 पर आइए, एक लोन पेयर है, ये हमेशा पोलर होगा, क्योंकि नॉन पोलर में या तो 3 लोन पेयर थे या 2 लोन पेयर थे, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तभी चेक करेंगे। यहां पर आइए, देखिए 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, 4 और 1 5 एटम, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इक्वल्स टू 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसका मतलब मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। आप कहेंगे सर 3 लोन पेयर दिख जाए हम उसे हमेशा नॉन पोलर मान लें, या 2 दिख जाए तो नॉन पोलर मान लें, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि देखिए और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। सपोज करिए आपको H2O दिया गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, ध्यान से देखिए, इट हैड 2 लोन पेयर्स, और 2 लोन पेयर होने के बाद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, तो इसमें 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, और sp3 में नॉन पोलर नहीं होता था, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर ऑन। क्लियर है बात। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं, इनके अलावा तीसरे नंबर पर आते हैं, कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक बार फिर से ले रहे हैं, बस बेटा 2 मिनट और लूंगा, बाकी अगली क्लास में कराऊंगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ AXMYN टाइप के, इसका मतलब इसमें 3 एटम्स हैं डिफरेंट टाइप के, एक ए, ए एक्स और एक वाई। कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ AXMYN टाइप, एन टाइप आर पोलर यूजुअली, आर पोलर यूजुअली या नॉर्मली। कहते हैं ये पोलर होते हैं जनरली, यदि ये पोलर होते हैं तो इनका जो म्यू रिजल्टेंट होता है ये 0 नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला COCl2, कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, पूछा गया बताइए पोलर के नॉन पोलर, तो आप कहेंगे पोलर। उसने आपको दिया है CH3Cl, CHCl, पोलर की नॉन पोलर, पोलर। उसने आपको दिया है CH2Cl2, देखने में लगता है कि नॉन पोलर हो सकता है, पर पोलर होगा, 1 2 3, इट इज पोलर। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास कभी ये आ जाए कि PCl3 और F2, कुछ होते हैं एक्सेप्शन, क्यों होते हैं वो हम सीखेंगे। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल कभी कभी नॉन पोलर भी हो जाते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्सेप्शंस नहीं होते। तो ऐसे बताते हैं कि आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा बेटा, या आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, पर आज मैं केवल यहीं तक रखूंगा, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंपैरिजन कैसे किया जाता है पोलर कैरेक्टर का, कि कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसे भी सीखेंगे, पर नहीं आज, नेक्स्ट लेक्चर में। आज केवल यहां तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।